कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड मज़े में होंगे। सर एकदम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GT5 एंड आज हम ले आए बहुत सारी कार्स, मतलब इंडियन SUVs। एंड देख लो भाई कैसा क्या रैम्प है अपना यहाँ पर, ये वही वाला वाटर रैम्प है जहाँ पर हमने अपनी बहुत सारी कार्स को टेस्ट किया हुआ है। सो आज हम अपनी इन सारी पीछे वाली कार्स को टेस्ट करने वाले हैं। इन पे मैं आपको कार्स का नाम बता देता हूँ। यहाँ पर है भाई अपनी हैरियर, सफारी, जीप कंपास, महिंद्रा थार, फॉर्चुनर लेजेंडर, फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, एंड फिर अपनी XUV 700, एंड यहाँ पर अपनी फोर्ड एंडीवर, मारुति सुजुकी ब्रेजा न्यू वाली, फिर अपनी टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू और ह्यूंडई क्रेटा। ये सारी अपनी कार्स हैं एंड ये ऐसा कुछ रैंप है भाई, ये तो आपने देखा ही होगा। सो या फटाफट से चलते हैं। तो ऑलराइट गाइस लेकर चलते हैं अपनी ह्यूंडई क्रेटा को यहाँ पर। एंड ये चली अपनी चरेटा, एंड मैं इसका चरेटा बोलता हूँ। एंड ये चलते हैं अभी, और ये चली भाई अपनी ह्यूंडई क्रेटा। देखते हैं पहली बार जा रही है इस वाले रैंप पे, ये देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करती है। भाई अभी तक तो लग रहा है कट जाएगी, लेकिन भाई इसका बम्पर बहुत ज़्यादा फिर रहा है और पानी आ गया फिर तो भाई अलग ही बवाल हो जाएगा इसके साथ तो। और भाई पानी से जस्ट अभी अभी बची है ये, एंड ये चली कर जाएगी ना आई थिंक। पर यहाँ पर भाई स्विफ्ट पलट गई थी और वो फेल हो गई थी एक वीडियो में। सो चलो निकल गई, मेरे को पता था भाई इतना तो कर ही लेगी। सो या इसने कर लिया है। एंड इसमें तो देखो मोस्ट ऑफ दी कार्स कर लेंगी, लेकिन कुछ हैं अनमोल रत्न जो नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो या बढ़ते नेक्स्ट इंडियन कार की तरफ। रेड गाइस लेकर चलते हैं हम अपनी ह्यूंडई वेन्यू को। लगातार दो दो ह्यूंडई की गाड़ियों को हम लेकर जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ सो भाई इसकी स्पीड काफ़ी सही है भाई। ओ भाई ओ ओ ओ भाई ओ शेट ओ भाई इसकी स्पीड काफ़ी सही है यार यहाँ पर, मेरे को लगा नहीं था। भाई ये तो क्रेटा से भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। ओ नो भाई इसका बम्पर बहुत बुरा पड़ रहा है, मेरे को पूरा सांप जैसे निकालना पड़ेगा। ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे भाई। ओ भाई भाई मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है इसको तो निकालने में भाई। ओ यार ये मेरे को लग नहीं रहा भाई ये कर पाएगी ऐसे अगर ये चली तो। देख रहे हो भाई कितनी दिक्कत। ओ शेट निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। हाँ यार मेरे को तो लगा था एक टाइम के लिए कि नहीं निकल पाएगी, लेकिन चलो निकल गई। भाई इसका बम्पर बहुत ज़्यादा भिड़ा है, मतलब यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी कमी रह गई। ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ अभी, ये देखो भाई। चलो ठीक है ये सब तो लगा रहता है भाई। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट इंडियन कार की तरफ। गाइस अब लेकर चलते हैं हम अपनी टाटा नेक्सॉन को, देखते हैं क्या कैसा है वेन्यू, सब अच्छा परफॉर्म करती है ख़राब। बाकी इलेक्ट्रिक वाली है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, ये वो वाली है। सो ये पेट्रोल वाली है, डीजल वाली नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक वाली। सो इसके पानी से बंद होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे को लग तो रहा है ये बंद हो जाएगी, लेकिन लेट्स चेक। एंड इसमें थोड़ी सी पावर भी मेरे को कम फील हो रही है। चलो ओ नो गाइस ये तो गई, ये तो गई भाई। ओ बच गई बच गई बच गई बच गई, मेरे को इसको भी ऐसे निकालना पड़ेगा भाई। चलो 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 निकल जाएगी निकल जाएगी। ओ ओ शिट भाई 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 बहुत ज़्यादा पानी आ गया था अभी, बाकी निकल जाएगी भाई ये तो। लग तो है देखने से ऐसा ही रहा है, लेट्स चेक। शिट भाई ये पलट गई, अब बस पानी ना आ जाए भाई इतने में ही। चलो ठीक है जब तक पानी आया तब तक भाई हम सीधे हो गए। चलो 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 और बस आ गए भाई, अब तो आ गए। ओ भाई इलेक्ट्रिक में भाई जान तो होती है, लेकिन भाई वो बस स्पीड के टाइम पे काम आती है। अभी भाई बिल्कुल इलेक्ट्रिक में ऐसा लग रहा है तो जान ही नहीं है भाई। ये देखो क्या हाल इसकी, तो भाई अलग ही हालत हुई है यार, लगता है पेट्रोल वाली की ऐसी नहीं होगी। अगर आप तुम चाहते हो कि मैं पेट्रोल वाली की अभी टेस्टिंग करूँ तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना। सो यार बढ़ते अपनी नेक्स्ट जेन कार की तरफ। लेकर चलते हैं अपनी मारुति सुजुकी ब्रीजा को यहाँ पर। एंड ये चली भाई अपनी ब्रेजा। ओ भाई मेरे को थोड़ी सी पलटने वाली गाड़ी लग रही है यहाँ पे, लेट्स चेक। ये आई थिंक कर जाएगी भाई, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को सही लग रही है, लेकिन भाई जो भी हो लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। ओ भाई ओ भाई शिट शिट भाई बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है इसकी बारी में। ठीक है कोई नहीं भाई। ओ शिट भाई
भाई आई थिंक ये कर जाएगी यार, कर जाएगी, कर जानी चाहिए भाई। अगर ये कर गई ना तुमको लाइक करना पड़ेगा ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को मुश्किल लग रहा है। बाकी कर गई भाई, कर गई, मेरे को पता था भाई ये तो, इसलिए तो मैंने तुमसे लाइक करने को कहा था भाई। देख, ओ भाई ये क्या था, ये क्या था ब्रेजा, ये क्या था। ठीक है जो भी था, हम क्या करें। सोया, इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सोया आप बढ़ते अपनी नेक्स्ट रेंट कार की तरफ। अब लेकर चलते हैं अपनी महिंद्रा XUV 700 को यहाँ पर, एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है ये। भाई कंफ्यूज क्यों हो रहा है इतना, बैठ जा चुपचाप। चलो बैठ गया। एंड XUV 700 आज हम पहली बार चलाने वाले हैं। सोया देखते हैं कैसी चलती है। अच्छी चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, कोई भी दिक्कत है नहीं यार। अच्छी है भाई गाड़ी, अच्छी है। बस ये देखना भाई इसमें पावर वगैरह कैसी है, पावर और टॉर्क। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस में तो मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही है यार, कहीं कहीं जगह ऐसा लगता है नहीं है भाई कमी, कहीं कहीं जगह लगता है भाई कमी है भाई। पता नहीं भाई, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलूँ इसके बारे में। बाकी ठीक है, अब जो भी है कर तो ही जानी है, मेरे को पता है भाई ये तो कर ही जाएगी भाई जब। ओ भाई भाई पानी काफ़ी था यार, कर गई लेकिन, यानी कि इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है। सो अच्छे है भाई, अच्छा है, मज़ा है, मज़ेदार गाड़ी है। सो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ये तो मेरे को पता ही था। सो यार बढ़ते अपनी नेक्स्ट इंडियन कार की तरफ। अब लेकर चलते हैं अपने टाटा की हैरियर को यहाँ पर, देखते हैं अपनी हैरियर भाई कैसा यहाँ पर परफॉर्म करती है। बाकी मैं हैरियर को एक बार ले जा चुका हूँ, मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसको कैसे ले जाना है भाई। इसका ना ये है भाई, इसको बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं करना है, लेकिन मैं तो भाई ऐसे ही चलाऊंगा। ये देखो ऐसे हो जाएगा, और एक बार पानी आ गया ना यहीं पर ही भाई इसका पूरा खेल खत्म हो जाता है, मतलब एकदम रुक सी जाती है। तो मेरे को पता है भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो सो इसको आराम से ले जाएंगे एंड कर जाएगी ये तो भाई, ये तो कर ही जाएगी मेरे को पता है। बस पानी इतना ज़्यादा ही ना हो जाए कि भाई बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाए, तो भी भाई ये कर ही गई। देख लो मैंने कहा था भाई, मैं जो गाड़ी कहूँगा ना वो कर जाएगी जहाँ तक है। तो चलो भाई इसने भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एंड अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इंडियन कार की तरफ। गाइस अभी लेकर चलते हैं हम अपनी जीप कंपास को यहाँ पर, देखते हैं। मैं बहुत टाइम से मैंने जीप कंपास को नहीं चलाया, इसलिए मैं इसको आज लेकर आ गया। सो ये चली भाई अपनी जीप कंपास। ओ शिट शिट शिट, ओ भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ कुदा दी, सच में बहुत ज़्यादा तेज़ कुदा दी थी मैंने भाई, मेरे को पता नहीं चला, स्पीड का अंदाज़ा ही नहीं लगा भाई कितनी मेरी स्पीड जा चुकी है। ठीक है बाकी गाड़ी संभाल गई भाई, इसके टायर देखो कितने ज़्यादा मोटे हैं, बाकी गाड़ी भाई संभाल ले गई, मतलब गाड़ी में है तो भाई जान। भाई देखो यार गाड़ी कितना जल्दी स्पीड अप करती है भाई, मैंने बिल्कुल टाइम नहीं देती समझने का। जब तक मेरे को समझ में आई मेरी स्पीड जा चुकी है बहुत तेज़, तब तक तो भाई गाड़ी बिल्कुल उड़ चुकी थी। सो यार इसने तो कर लिया आराम से एकदम, मैं जानता था, क्योंकि इसलिए तो मैं लाया था भाई तुम समझे। सो बात बढ़ते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। गाइस अब लेकर चलते हैं अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को, सो बैठते हैं अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में। सो बैठ गए हम अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में, और ये अपनी चली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। सो ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन चली, और भाई चलती गई भाई, ये सही चलती है यार, ये गाड़ी है, ये है टॉप गाड़ी। तो पिछली बार ये फेल हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं होगी, मैं लिख कर दे रहा हूँ गारंटी से, गारंटी से लिख कर दे रहा हूँ भाई, ये फेल होने से रही भाई, फेल होने से रही भाई। लो भाई क्या कही थी मैंने, हाँ जरा रिप्ले करके दिखाना। चलो छोड़ो, बाकी इसने कर लिया, मैं सब जानता हूँ भाई, मेरे को सब पता है भाई। ठीक है सो अब चलते हैं वापस से और गाड़ियाँ लेकर आते हैं। सो ऑल राइट गाइस यहाँ पर लेकर चलते हैं अपनी टाटा सफारी को, एंड ये चली भाई अपनी टाटा सफारी। एंड कुछ टाइम बाद भाई मैं न्यू वाली टाटा सफारी जो एकदम अभी 2023 के एकदम एंड में, अभी ये जो नवंबर में, मतलब नवंबर और अक्टूबर के बीच में जो लॉन्च है, वो भी मैं कुछ टाइम में ले आऊँगा। जैसी भाई इसका मॉडल अवेलेबल होगा मैं ले आऊँगा। बाकी पानी बहुत ज़्यादा है, अभी तो यही वाली सफारी आया है, सफारी और हैरियर है, तो जैसी न्यू वाली आएगी तो मैं न्यू वाली ले आऊँगा, उसकी टेंशन मत लो। सो या चलते हैं, अभी ये भी कर गई है भाई, ये भी पिछली बार कर गई थी, मेरे को ये इसका ही पता था कर जाएगी। बस अभी वाली लाइन भर चुकी है, अब दूसरी लाइन में लगाना स्टार्ट करेंगे। सो इसके बस ये होता है भाई, थोड़ा सा ना आगे से बम्पर बढ़ता है। तो ठीक है भाई अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट की कुछ लास्ट की बची कुछ गाड़ियों की तरफ। गाइस लेकर चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर लीजेंडर को यहाँ पर, एंड ये चली भाई अपनी लीजेंडर।
लीजेंडर ये चली है। लीजेंडर काफ़ी स्लो चल रही है यार, क्या हो गया लीजेंडर को? पता नहीं कुछ लगता है भाई, दिक्कत हो गई है अपनी लेजेंडर को, पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी है अपनी लेजेंडर को। ठीक है जो भी है वो बाद में देखी जाएगी, बाकी अभी तो चलते हैं। ठीक है भाई, लेजेंडर कर जाती है हर बार, तो मैं जहाँ तक देखा। ओ नो शिट भाई, बहुत तगड़ी वेव आ रही थी, मैंने अच्छा हुआ रुक के बचा ली भाई। फॉर्चुनर लेजेंडर को रुकने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसको ना रोकने की ज़रूरत है ना रुकने की ज़रूरत है भाई। ये भाई हम इस साइड लगाएंगे चैट गाड़ियाँ, मतलब कि जो 100% सब कर ही जाती हैं, 99% जो कर जाती हैं उन सारी गाड़ियों को हम इधर लगाएंगे। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट की दो गाड़ियों की तरफ। गाइस लेकर चलते हैं अपनी महिंद्रा थार को यहाँ पर, एंड ये चली भाई अपनी महिंद्रा थार, एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। आराम से भाई थार, आराम से थार। ठीक है भाई, ये तो भाई कर ही जाएगी भाई, ये तो बिना टच हुए भी जा सकती है अगर मैं इसको ले जाऊँ तो। कोई ले जाना चाहे तो आराम से भाई इसको बिना ग्राउंड, इसको इसका बम्पर टच करवा कर ले जा सकता है। ठीक है तो देख लो, मैंने बिना बिना टच करवा ले गया भाई, देख लो एक एक तुम्हें स्क्रैच भी नहीं दिखेगा भाई। ये है थार की पावर। ठीक है, लेजेंडर भी इसके सामने बच्ची सी लगती है, देख लो ये देखो कैसे दिखाऊं भाई मैं, ये देखो लेजेंडर लग तो रही नहीं है इसके सामने बच्ची, लेकिन है भाई, समझो बात को भाई, बात पे मत जाओ फीलिंग्स पे जाओ। ठीक है, सो अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट इंडियन कार की तरफ। तो गाइज लेकर चलते हैं अपनी फोर्ड एंडीवर को यहाँ पर, एंड फोर्ड एंडीवर को देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करती है। बाकी ये बीच में बोट वाले भाई, मैं बता रहा हूँ ये पुलिस वाले हैं लेकिन हैं बोट वाले ही, इतने ख़राब लोग भाई, ये भी टच नहीं होती कहीं से, लेकिन वो थोड़ी कभी कभार हो जाती है ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत, बाकी ये कहीं पर भी नहीं होती। लेजेंडर तो भाई कुछ ज़्यादा ही होती है, मेरे को लगता नहीं है मतलब लेजेंडर लेजेंड कैसे बनी भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता, लेकिन है भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, लेजेंड तो लेजेंड ही रहते हैं भाई। ये देख लो अब इस लेजेंड को देख लो, जिसके टायर ऐसे हैं भाई कि कितने इतने स्लिप करते हैं लेकिन तब भी गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म करती है ना। ये देख लो भाई, एक इस गाड़ी को देख लो, एक लेजेंडर को देख लो भाई, दोनों हैं एक सेगमेंट की। अब दोनों का डैमेज देख लेना भाई तुम लोग। देखो भाई मैं फॉर्च्यून लेजेंडर की बुराई नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ पॉइंट्स। ठीक है, ये देखो अब इसका डैमेज देखो, देख लिया। ठीक है, और उसका डैमेज देखो भाई, ये फ़र्क है भाई। ठीक है, तो बुरा मत मानना कोई भी। ठीक है, बाकी सारी गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है, एंड सबसे अच्छे से बताऊँ तो यहाँ ये महिंद्रा थार, देन फिर अपनी यहाँ पर क्या नाम है एंडीवर, उसके बाद अपनी लेजेंडर, ये तीन गाड़ियाँ टॉप 3 में आई हैं। तो अगर मैं इनको यार इनको वैसे से ही लगा देता हूँ अरेंजमेंट से, तो बस मेरे को क्या करना है, थार को यहाँ से उठाना है और यहाँ से कटना है कट, और यहाँ से कर देना है, यहाँ पर कर देना है आके पेस्ट। ठीक है, ये हो गई कट पेस्ट अपनी महिंद्रा थार, और कट पेस्ट के बाद पूरा बन चुका है फर्स्ट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मतलब मैं दिखा कह रहा हूँ ऐसे, देखो देखो फर्स्ट पे हो गई अपनी महिंद्रा थार, सेकंड पे हो गई भाई अपनी एंडेवर, थर्ड पे हो गई अपनी लेजेंडर। ठीक है, उसके बाद तो भाई ये लोग, तुम लोग को जो अपनी लिस्ट रखनी है वो रख लेना, तो तुम्हारी मर्जी। बाकी यार आई होप तुम सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो चैनल को वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको भी जोर से दबा देना, एंड उसके बगल में जो एक बेल आइकन वाला बटन है ना उसको भी ऑल पे सेट कर लेना। सो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm